हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी. दिस इज सोनल सकलानी. सो आपका एनएससी और यूके पीएससी का जो एग्ज़ाम है दैट इज शेड्यूल्ड ऑन 7th संडे को एग्ज़ाम शेड्यूल्ड है, और उसी के लिए स्पेशली उसी के लिए, और साथ में यह है आपका आईबीपीएस एएफओ का मेंस भी अभी 28th को शेड्यूल्ड है. तो इन सारे एग्ज़ाम्स को टारगेट करते हुए हम क्या लेके आए हैं आपके लिए, एक रैपिड फायर सेशन या मैराथन सेशन या आप बोल सकते हो लास्ट का रिवीजन सेशन आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें कल ऑलरेडी कैलाश सर ने एक वीडियो आपके बना दी थी, ठीक है, और आज आपके फर्दर क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फटाफट से हम इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्वेश्चंस ही हम आज डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है. फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करते हैं. विच ऑयल सीड क्रॉप इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ डे न्यूट्रल प्लांट. सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स. आपका लॉन्ग डे प्लांट होते हैं, शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं. लॉन्ग डे प्लांट्स में मोर देन 12 आवर्स की सनलाइट चाहिए होती है, लाइट चाहिए होती है, और जो हमारे शॉर्ट डे प्लांट्स होते हैं उसमें लेस देन 12 आवर्स या लेस देन 10 आवर्स की लाइट चाहिए होती है. लास्ट ईयर भी IBPS AFO के मेंस में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था. अभी आपके पास क्वेश्चन जो है दैट इज आस्किंग यू अबाउट द डे न्यूट्रल प्लांट. ऐसा कौन सा ऑयल सीड क्रॉप है जो कि एक डे न्यूट्रल प्लांट है, ठीक है, और इसके साथ ही क्या है इसका टेम्परेचर रेंज 25-30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इसका ऑप्टिमम है. तो दिस इज द सनफ्लावर. सनफ्लावर इसके साथ ही और क्या एग्जिबिट करता है, ये एग्जिबिट करता है आपका एक ऐसी आप बोल सकते हो कंडीशन जिसमें ये क्या मूव करता है, हीलियोट्रोपिज्म की कंडीशन. क्या करता है ये, जहाँ पर सनलाइट आती है उसी की डायरेक्शन में मूव करता है, ठीक है. इसके अलावा डे न्यूट्रल प्लांट्स आपके कौन से हैं, टोमेटो है, क्यूक्यूम्बर है, ठीक है. नीचे कमेंट सेक्शन में आप और सारे एग्जाम्पल भी लिख सकते हो. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. सेकेंड नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच क्रॉपिंग प्रैक्टिस इन्वॉल्व द प्लांटिंग ऑफ द नेक्स्ट क्रॉप बिफोर द हार्वेस्टिंग. यानी कि जो हमारी पहली वाली क्रॉप है उसका वो अभी तक स्टैंडिंग क्रॉप ही है, और उसके बीच में ही हमने दूसरी क्रॉप लगा दी है. उसको उस टाइप की क्रॉपिंग पैटर्न को हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द रिले क्रॉपिंग. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. साथ ही साथ आप एक कॉपी पेन भी रख सकते हैं अपना साइड में, ताकि आप अपना स्कोर देखते रहें कि किस में कैसे आपने स्कोर करा है. आप अपना अपने आप को भी मार्क कर सकते हैं उसमें, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, वी हैव Which plant exhibits modified papery calyx? और ये जनरली किसमें होता है, वीड जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, मॉडिफाइड पेपरी कैलिक्स जो होता है दैट इज मॉडिफाइड एज अ पेपरी, ठीक है, कैलिक्स जो है, ठीक है. एनक्लोजिंग द फ्रूट लूजली विद एंट्रैप्ड एयर फॉर सीड डिस्पर्जल. मेजरली क्या है, सीड दूर तक डिस्पर्स करने के लिए ये ऐसा जो पूरा स्ट्रक्चर है वो फॉर्म करता है. किसमें देखने को मिलता है, फाइजलिस मिनिमा में अगर आप देखोगे तो क्या होता है, बीच में सीड होता है और साइड में बलून शेप का आपका पूरा स्ट्रक्चर होता है, और ये क्या करता है ताकि जो सीड है वो ज़्यादा दूर तक डिस्पर्स हो, और डिस्पर्स हो के क्या करेगा, ये ज़्यादा एरिया में फैलेगा, ठीक है, वही उनका मेन जो ऑब्जेक्टिव होता है, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ. वी हैव क्वेश्चन नंबर फोर्थ इज इफ अ फार्मर एम्स टू ब्रेक द हार्ड पैंस इन द सॉइल. मतलब कि अगर उसको ऐसी प्लॉइंग करनी है जिससे कि नीचे का जो हार्ड पैन है, हार्ड पैन कितना होता है, अराउंड 60 to 70 सेंटीमीटर की डेप्थ पे आपका हार्ड पैन प्रेजेंट होता है, दैट कैन बी ड्यू टू हैवी मशीनरी अगर यूज़ करते हैं तो वो सॉइल कॉम्पैक्शन हो जाता है, ठीक है. सो उसके लिए हम क्या करते हैं, सब सॉइलिंग की जाती है उसके लिए. ऑल राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, वी हैव क्वेश्चन नंबर फिफ्थ सेज आइडेंटिफाई द फार्मिंग मेथड दैट इन्वॉल्व्स कल्टिवेटिंग क्रॉप्स ऑफ डिफरेंट हाइट्स टुगेदर. यानी कि अलग अलग हाइट की क्रॉप जब हम एक ही लैंड एरिया में एक साथ लगाएंगे तो उसको क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द मल्टी स्टोरीड क्रॉपिंग, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल वी हैव जिंजर के साथ हम पपाया लगा दें, ठीक है, या फिर अगर हम उसके साथ कोई भी एक वाइन वाली एक क्रॉप लगा दें तो ये क्या होंगे, अलग अलग हाइट पर ग्रो करेंगे, ठीक है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर सिक्स. वी हैव सिक्स में क्या है, क्रॉप्स कल्टिवेटेड टू कैच द फोर्थ कमिंग सीजन व्हेन द मेन क्रॉप हमारी फेल हो गई है किसी भी नेचुरल कैलमिटी की वजह से, उसको कंपनसेट करने के लिए, उसका इकोनॉमिक लॉस को कंपनसेट करने के लिए अगर हम दूसरी क्रॉप लगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज द कंटिंजेंट क्रॉप, या फिर इसको और क्या कहते हैं, कैच क्रॉप, ठीक है.
और यहाँ पर हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या होता है, तोरिया का एग्जांपल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7th, वी हैव सिचुएशन व्हेन द रेनफॉल डेफिशिएंसी इज 25% और मोर, यानी कि 100 mm अगर रेनफॉल हो रही थी तो इस साल सिर्फ 60 mm रेनफॉल ही हुई है, ये पूरे साल भर में 60 mm रेनफॉल ही हुई है, तो हम ऐसी कंडीशन को क्या कहते हैं, इट इज़ नोन एज द मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट, ठीक है। हाइड्रोलॉजिकल ड्रॉट कब होता है, जब ये मेट्रोलॉजिकल ड्रॉट ही आगे प्रिवेल करता है बहुत टाइम तक, और उसकी वजह से जितने भी हमें हाइड्रोलॉजिकल बॉडी होती है वाटर बॉडीज, उनमें वाटर का जो अमाउंट है वो कम हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8th वी हैव, हम जल्दी जल्दी इसलिए करें क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमें कवर करने हैं कम टाइम पे, ओके, और टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है ज़्यादा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8th, वी हैव द प्रोसेस ऑफ बर्निंग ऑफ ट्रैशेस, वीड्स और एनी ऑर्गेनिक रिफ्यूज इन द सॉइल सरफेस फॉर द स्टरलाइजेशन ऑफ द नर्सरी। सो टोबैको की क्रॉप में या फिर और कोई क्रॉप में अगर हम नर्सरी में या फिर अगर हम मेन फील्ड में भी ट्रैशेस को बर्न करते हैं तो किस लिए करते हैं, स्टरलाइजेशन करने के लिए। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस ऑपरेशन को क्या कहा जाता है, दिस इज नोन एज द रैबिंग की प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9th वी हैव, 9th क्वेश्चन क्या है, ब्लोइंग इन स्टैंडिंग मेज क्रॉप एट 20-25 डेज आफ्टर सोइंग इज कॉल्ड एज। सो 20-25 डेज आफ्टर मेज की क्रॉप में अगर हम बीच में हल लगा लें, क्यों करेंगे, ताकि यहाँ पर कोई भी अगर वीड्स ग्रो कर रही थी तो वीड्स किल हो जाए, या फिर सॉइल को एरेशन प्रोवाइड करने के लिए, तो इसको क्या कहा जाता है, दैट इज़ नोन एज द हेलोडिंग, ठीक है। और ब्यूशनिंग कब होता है, जब ऐसी ही की प्रोसेस हम राइस, स्टैंडिंग राइस में करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10th वी हैव एरोमा इन राइस, राइस में जो कैरेक्टरिस्टिक एरोमा है वो किस वजह से आती है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 2-acetyl-1-pyrrolein, DAP भी इसे कहते हैं, डाई एसिटाइल पायरोलिन भी कहीं कहीं पर कहा जाता है। बासमती राइस में जो खुशबू आती है वो इसी वजह से आती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11th, वी हैव द प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड यूज फॉर द वीड कंट्रोल इन मेज। सो मेज में वीड कंट्रोल करने के लिए प्री इमर्जेंस हर्बिसाइड कौन सा हम यूज करते हैं, दैट इज मेजरली यूज कौन सा होता है, ठीक है। 2,4-D किसके लिए यूज करते हैं, जो भी हमारी ब्रॉड लीफ वीड्स होती हैं उनको, उनके लिए। और हम प्री इमर्जेंस में जनरली कौन सी यूज करते हैं, पेंडेमिथिलिन प्री इमर्जेंस में यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12th, वी हैव व्हाट इज द स्पेसिफिक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द अकरेंस ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन इन पर्ल मिलेट। सो पर्ल मिलेट में क्रॉस पॉलिनेशन किस वजह से होता है, पर्ल मिलेट और एक हमारा होता है मेज, मेज में भी क्रॉस पॉलिनेशन होता है, मेज में क्या होती है, प्रोटो एंड्री, और पर्ल मिलेट में क्या होता है, प्रोटो गाइनी, यानी कि पहले फीमेल वाला पार्ट मेच्योर हो जाता है और उसके बाद मेल वाला पार्ट मेच्योर होता है, जिसकी वजह से क्या होगा, जो भी हमारी एक ही बार में, क्योंकि दोनों एक साथ मेच्योर हुए नहीं है तो वो पॉलिनेशन नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से क्या होगा, क्रॉस पॉलिनेशन होगा, ठीक है। सो प्रोटो गाइनी वुड बी द आंसर फॉर दिस। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13, वी हैव क्वेश्चन नंबर 13 इज प्रोसिक एसिड कंटेंट इन सॉर्गम। सॉर्गम में वी नो कि HCN कंटेंट या फिर प्रोसिक एसिड कंटेंट क्या होता है, बहुत हाई हो जाता है, इसकी वजह से ही सॉर्गम पॉइजनिंग होती है। अगर लेस देन 40-45 डेज की अगर क्रॉप है तो उस टाइम तक हम उसकी कटिंग नहीं लेते हैं, और कटिंग ले भी लें तो फिर हम उसको फीड नहीं करवाते हैं लाइव स्टॉक को, क्योंकि HCN की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। तो कहाँ पर ये जनरली सबसे ज़्यादा हाई अमाउंट में कहाँ पर प्रेजेंट होती है, लीफ में प्रेजेंट होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, दैट इज एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन, क्योंकि अगर आप UK SSSC का अगर पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखेंगे या फिर प्रीवियस अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर इसी पोस्ट के लिए जो आपकी अभी पोस्ट आई है ना AA की, तो वहाँ पर न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चंस भी एक आध आ गए थे, तो इसलिए मैंने एक डाला है यहाँ पर। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द क्रॉपिंग इंटेंसिटी ऑफ पर्ल मिलेट, उसके बाद क्या लगाया, वीट प्लस मस्टर्ड। सो वीट प्लस मस्टर्ड जो है यहाँ पर इंटरक्रॉपिंग पे है, ठीक है। इंटरक्रॉपिंग में जब होता है तो हम उसको कैसे काउंट करते हैं, एज अ वन, क्योंकि 2 हेक्टेयर लैंड एरिया है ना, तो 2 हेक्टेयर लैंड एरिया में ही इसको ग्रो किया गया है, ठीक है। सो क्रॉपिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, वी हैव द क्रॉस क्रॉप्ड एरिया अपॉन द नेट सोन एरिया,
ठीक है. सो ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया क्या है हमारे पास, पहले 2 हेक्टेयर हम यूज़ करेंगे पर्ल मिलेट के लिए, और फिर 2 हेक्टेयर नेक्स्ट सीजन में यूज़ कर रहे हैं वीट और मस्टर्ड के लिए. तो टोटल हमारे पास कितना हो गया, 4 हेक्टेयर, और नेट एरिया कितना है, 2 हेक्टेयर ही इंटू 100. आंसर क्या आएगा, वुड बी 200%. ठीक है, सो डी इसका आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15. मोस्ट सुटेबल सॉइल फॉर ग्राउंडनट कल्टीवेशन. सो ग्राउंडनट कल्टीवेशन, ग्राउंडनट में मेजरली क्या होता है, एक इम्पॉर्टेंट चीज़, दैट इज़ द पेग फॉर्मेशन. अब पेग फॉर्मेशन कब होती है, जब इसमें आपका जो फ्लावर है उसमें पॉलिनेशन हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो फॉर्म होता है. और एम्ब्रियो जब फॉर्म होता है तो उसके साथ ही एक गोनोफोर फॉर्मेशन होती है. सो गोनोफोर फॉर्मेशन में क्या होता है, जो आपका एम्ब्रियो है दैट इज़ ब्रॉट डाउन इनसाइड द सॉइल. सॉइल में मतलब रूट्स में आएगा, वो रूट्स से क्या करेगा, फिर नीचे क्या होती है, एक गोनोफोर या फिर पेग की फॉर्मेशन होती है. और ये पेग फॉर्मेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि सॉइल बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस ना प्रोवाइड करे. किस टाइप की सॉइल ज़्यादा रेजिस्टेंस नहीं प्रोवाइड करेगी, जो सैंडी सॉइल होगी. ठीक है, तो इसलिए सैंडी सॉइल इसमें ज़्यादा आप बोल सकते हो सूटेबल होती है फॉर द कल्टीवेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द जीरो टिलेज टेक्निक इन वीट कल्टीवेशन. सो वीट कल्टीवेशन में जीरो टिलेज जो हम यूज़ करते हैं उसके रिगार्डिंग कौन सा हमारा एक स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है. स्टेटमेंट्स क्या क्या है, फर्स्ट इज जीरो टिलेज इन्वॉल्व्स प्लॉइंग द सॉइल बिफोर डायरेक्ट सोइंग ऑफ वीट. ज़ीरो टिलेज में हम पहले नहीं करते हैं प्लोइंग, दैट इज़ नॉट करेक्ट. ज़ीरो टिलेज लीड्स टू डिले इन सोइंग, नहीं ऐसा तो नहीं है. ज़ीरो टिलेज अगर हम करेंगे तो क्या होता है एक्चुअली, जब इससे पहले हमारी राइस की अगर क्रॉप लग रही है तो राइस की क्रॉप के स्टबल को हटाने में ज़्यादा टाइम लगता है, और ज़ीरो टिलेज में क्या करते हैं, डायरेक्ट सोइंग कर देते हैं उसी में स्टबल के बीच में ही, तो फिर ये डिले तो नहीं करता है बिल्कुल भी. ठीक है, क्या है इसमें ट्रू रिगार्डिंग देखना है ना. ठीक है, द टाइम्स ऑफ द जीरो टिलेज मशीन क्रिएट क्रैक्स इन द सॉइल फॉर सीड एंड फर्टिलाइजर प्लेसमेंट. ओके, ये हो सकता है. जीरो टिलेज कैन रिजल्ट इन हायर कॉस्ट, नो दिस इज ऑल्सो नॉट करेक्ट. सो सी वाला हमारा जो स्टेटमेंट है दैट वुड बी द करेक्ट वन. ठीक है, सी स्टेटमेंट करेक्ट होगा. नेक्स्ट चलते हैं हम 17 क्वेश्चन पे. क्वेश्चन नंबर 17 इज कैरेक्टरिस्टिक पंजेंसी इन मस्टर्ड ऑयल. मस्टर्ड ऑयल में जो मस्टर्ड सीड्स होती है उनको जब क्रश किया जाता है तो क्या उसमें से ऐसी निकल कौन सा ऐसा केमिकल निकलता है जिसकी वजह से इसमें पंजेंसी होती है, दैट इज़ ड्यू टू द सिनिग्रिन दैट इज़ प्रेजेंट. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 18th वी हैव, क्वेश्चन नंबर 18th इज सोयाबीन इज नॉट कंज्यूम्ड एज अ दाल. दाल की तरह इसे नहीं कंज्यूम किया जाता, रादर इट इज़ यूज एज अ ऑयल सीड क्रॉप. क्यों, क्योंकि जब इसको एज अ दाल हम यूज़ करते हैं तो इसमें क्या होता है, लिपोक्सीडेज एंजाइम होता है ड्यू टू विच इट हैज़ अ बीनी फ्लेवर. ठीक है, एंड दैट फ्लेवर इज़ नॉट लाइक लाइक्ड बाय मैनी पीपल. ठीक है, इसीलिए क्या है, उसको एज अ ऑयल सीड हम ज़्यादा यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19 वी हैव, वट इज़ द रिफ्यूजिया टेक्निक यूज इन बीटी कॉटन कल्टिवेशन. सो बीटी कॉटन कल्टिवेशन में रिफ्यूजिया एक टेक्निक अभी रिसेंटली यूज़ की गई है, यूज़ कर रहे हैं. क्यों, क्योंकि जो आपके बॉल वॉर्म्स हैं वो धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, बीटी कॉटन के लिए भी रेजिस्टेंट हो रहे हैं. सो उसका डेवलपमेंट कम करने के लिए, कि ऐसे टाइप के जो बॉल वॉर्म्स हैं उनका डेवलपमेंट, जो रेजिस्टेंट बॉल वॉर्म्स हैं उनका डेवलपमेंट थोड़ा कम करने के लिए कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, रिफ्यूजिया टेक्निक. ठीक है, सो क्या इसका क्या देखना है हमें, कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, सो अ मेथड टू कंट्रोल पेस्ट यूजिंग नेचुरल प्रीडेटर्स, नेचुरल प्रीडेटर्स हम नहीं यूज़ करते. टेक्निक टू कंजर्व वाटर, नहीं. प्रोसेस ऑफ सीड कंजर्वेशन फॉर फ्यूचर, नो. स्ट्रैटेजी टू मिनिमाइज द डेवलपमेंट ऑफ पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस, नॉट पेस्टिसाइड रेजिस्टेंस. इट वुड बी कि आप बोल सकते हो बीटी कॉटन रेजिस्टेंस. ठीक है, तो ये थोड़ा गलत हो गया है. यहाँ पर बीटी कॉटन का रेजिस्टेंस मिनिमाइज करने के लिए, डेवलपमेंट ऑफ बीटी कॉटन रेजिस्टेंस मिनिमाइज करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, रिफ्यूजर टेक्निक. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20 वी हैव, अवरोधी वैरायटी ऑफ चिकपी. सो अवरोधी वैरायटी ऑफ चिकपी इज रेजिस्टेंट टू एस्कोकाइटा ब्लाइट. ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21 वी हैव, फटाफट से करेंगे और आप भी फटाफट से अपने आंसर्स देखेंगे. ठीक है, कौन से आप सही कर रहे हो, कौन से गलत कर रहे हो.
क्वेश्चन नंबर 21, डिफिशियंसी ऑफ विच एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट लीड्स टू पॉप पॉड इन ग्राउंडनट. पॉप पॉड में क्या होता है कि जो पॉड फॉर्मेशन होता है, जो पेग फॉर्म हो गया, उसके अंदर कर्नल ही नहीं प्रेजेंट होता. क्यों नहीं प्रेजेंट होता? कैल्शियम की कमी से. ठीक है, कैल्शियम की जब ये डेफिशिएंसी होती है तो उसकी वजह से क्या बनता है, पॉप पॉड. तो जब इसको खोलते हैं ना तो उसमें पॉप सी आवाज़ आती है, इसीलिए इसको पॉप पॉड आप बोल सकते हो, एक डिसऑर्डर कहा जाता है. ठीक है, खाली होता है उसमें. नेक्स्ट इज उससे आप वो याद कर सकते हो कि एक हम बचपन में नहीं सुनते थे कि मूंगफली में दाना नहीं, तो वही वाली कंडीशन है कि मूंगफली में दाना नहीं होता. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, वी हैव द मूवमेंट ऑफ द लीव्स सेंसिटिव टू प्लांट, सेंसिटिव प्लांट मेमोसा पुटिका. मेमोसा पुटिका क्या है आपकी? छुई मुईगा प्लांट. जब आपको उसको टच करते हो तो वो लीव्स क्या कर देती है, बंद कर देती है. तो ये कौन से टाइप की आपकी लीफ की मूवमेंट है, या फिर कौन से टाइप का आप बोल सकते हो रिस्पॉन्स है, दिस इज कॉल्ड एज दी सिस्मोनास. इसके साथ ही इसमें और कौन सा एग्जांपल आता है आपका, वीनस फ्लाई ट्रैप का. ठीक है, वीनस फ्लाई ट्रैप क्या है, या फिर जितने भी आपके इंसेक्टिवोरस प्लांट्स हैं सारे ही, सब में क्या देखने को मिलता है हमें, सिस्मोनास्टी. जैसे ही उनको टच करो वैसे ही वो रिस्पॉन्ड करते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, अब क्या थोड़े सॉइल साइंस के क्वेश्चंस आ चुके हैं आपके लिए. सॉइल साइंस के क्या क्वेश्चन, सॉइल्स हैविंग वाइट इनकस्ट्रेशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स एट दी सरफेस. सो ऐसे टाइप की इनकस्ट्रेशन ये किस में होती है, जितनी भी आपकी सलाइन सॉइल्स हैं. क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो भी आप बोल सकते हो वाटर प्रेजेंट होता है, तो वो बहुत ज़्यादा एवेपोरेशन, हाई एवेपोरेशन की वजह से जो सॉल्ट्स मिले रहते हैं पानी के साथ, वो भी ऊपर आ जाते हैं, तो ये क्या है, वाइट एक लेयर बना देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 24, यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्टोरिंग एंड क्रॉप रोटेशन इन विच ऑल्टरनेट रोज आर कंस्ट्रक्टेड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द विंड एंड वाटर फ्लो टू प्रिवेंट द सॉइल इरोजन. मेनली क्या है, सॉइल इरोजन के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह की क्रॉप्स लगा देंगे ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स में. ठीक है, एक स्ट्रिप में दूसरी क्रॉप, एक स्ट्रिप में दूसरी क्रॉप. तो वो उसका मेन पर्पस क्या होता है, ताकि सॉइल के इरोजन को रोका जाए. और इसमें जनरली ऐसी टाइप की आप क्रॉप्स लगाते हो जो कि एक होगी बहुत ज़्यादा इरोजन परमिटिंग क्रॉप, और एक होती है इरोजन रेजिस्टिंग क्रॉप. ठीक है, सो इसको क्या कहा जाता है, स्ट्रिप क्रॉपिंग. ऑलराइट, नेक्स्ट पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 25, वी हैव डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, येलोइंग ऑफ लीफ इन प्लांट अपीयर्स ऑन. ठीक है, सो डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन की वजह से क्या होता है, येलोइंग होने लगती है, क्लोरोसिस होने लगता है. तो सबसे पहले कौन सी वाली लीव्स में ये देखने को मिलता है, जो हमारी नीचे वाली लीव्स होती है, ओल्डर लीव्स होती, क्योंकि नाइट्रोजन क्या है, मोबाइल एलिमेंट. ठीक है, इट्स अ हाईली मोबाइल एलिमेंट. तो ये क्या करता है, ओल्ड पार्ट से न्यू पार्ट्स में फटाफट से चला जाता है. तो हमें अपर लीव नहीं, लोअर लीव, जो ओल्डर लीव्स हैं उनमें दिखाई देने देगी. ठीक है, नेक्स्ट इज अवेलेबल वाटर रिटेन्ड इन सॉइल बिटवीन. सो अवेलेबल वाटर जो है वो सॉइल किस किस रेंज में प्रेजेंट होता है, दैट इज प्रेजेंट इन 1/3 to, या फिर आप 0.33 bar भी बोल सकते हो, टू -15 bar. -15 bar क्या है आपका, PWP परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, और ये क्या है आपका, फील्ड कैपेसिटी. ठीक है, सो इसके बीच ही आपका क्या प्रेजेंट होता है, अवेलेबल वाटर. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 27, प्लांट्स एब्जॉर्ब निकल इन द फॉर्म ऑफ. सो निकल को किस फॉर्म में जनरली एब्जॉर्ब किया जाता है, अलग अलग जो आपके आयंस हैं ना, अलग अलग आपके जो डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब किया जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए. ठीक है, सो Ni2+ के फॉर्म में ये एब्जॉर्ब किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28, द सॉइल्स हैविंग EC यानी कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 4 है. अब यहीं से समझ जाओ, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी लेस देन 4 है, यानी कि सेलाइन सॉइल तो ये नहीं होगा, क्योंकि सेलाइन सॉइल में क्या होती है, कंडक्टिविटी हमेशा मोर देन 4 होती है, क्योंकि उसमें आयंस होते हैं ना बहुत सारे. देन ESP यानी कि सोडियम परसेंटेज, एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, जहाँ आपका मोर देन 15 हो गया, वहीं समझ लो कि इट्स अ सोडिक सॉइल. यहाँ पर सोडियम ज़्यादा है तो सोडिक सॉइल होगी, और सोडिक सॉइल को और हम क्या कहते हैं, एल्कली सॉइल या सोडिक सॉइल एक ही चीज़ है.
यहीं से हमारा आंसर आ गया, पीएच आपको देखने की जरूरत ही नहीं है ज्यादा, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29, वी हैव ट्राइकोडर्मा विरिडी। ट्राइकोडर्मा विरिडी क्या है, बेसिकली एक फंगस है, अ बायो एजेंट यूज टू कंट्रोल सम ऑफ द डिजीजेस इन क्रॉप प्लांट्स, दिस एक्ट्स एज अ फंजीसाइड, और सारी फंगस को ही ये क्या करता है, किल करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30, वी हैव क्वेश्चन नंबर 30 इज व्हाट इज द प्रोसेस इन्वॉल्व्ड इन एमिनाइजेशन ड्यूरिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन। सो एमिनाइजेशन में क्या होता है, एमीन्स ज़्यादा बनते हैं, एमीन्स क्या होते हैं, अमीनो एसिड्स आप बोल सकते हैं, अमीनो एसिड्स या अमीन्स बनते हैं, किस से बनेंगे, कहाँ पर है, डिकम्पोजिशन ऑफ प्रोटीन्स, प्रोटीन्स का अमीन्स या अमीनो एसिड्स में डिकम्पोजिशन को ही हम क्या कहते हैं, दैट इज कॉल्ड एज द एमिनाइजेशन की प्रोसेस, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31, वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर्स इज इनकरेक्टली मैच विद द मेजर डिवाइस, ठीक है। अब एनेरॉयड बैरोमीटर जो है, बैरोमीटर हमेशा क्या करता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर या फिर प्रेशर को ही मेजर करता है। पीजोमीटर क्या है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, नो, इनकमिंग सोलर रेडिएशन कौन मेजर करता है, पाइरेनोमीटर, ठीक है। सारी इनकमिंग सोलर रेडिएशन को कौन मेजर करेगा, आपका पाइरेनोमीटर। पीजोमीटर क्या करता है, वाटर जो टेबल है उसका प्रेशर मेजर करता है, ठीक है। देन एरोमीटर डेंसिटी ऑफ गैसेस करता है, एनेमोमीटर विंड की वेलोसिटी चेक करता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32, वी हैव डायग्नोसिस एंड रिकमेंडेशन इंटीग्रेटेड सिस्टम, दैट इज DRIS, ठीक है। अप्रोच जो है वॉज प्रोवाइडेड, किसने ये अप्रोच प्रोवाइड करी थी, दिस वॉज बेसिकली प्रोवाइडेड बाई ब्यूफिल्स, ठीक है। और क्या होता है इसमें, जो भी न्यूट्रिशनल फैक्टर्स लिमिटिंग एजेंट की तरह काम करते हैं उनको हम बेसिकली एसेस करते हैं इस मेथड से, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 33, वी हैव यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन। यूनिवर्सल सॉइल लॉस इक्वेशन क्या है हमारी, ए इक्वल्स टू आर के एल एस सी बी। व्हाट डज इट टेल, कि कितना सॉइल लॉस होगा। सॉइल लॉस किस पे डिपेंड करता है, एक तो रेनफॉल पे, कितनी ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, किस इंटेंसिटी से रेनफॉल हो रही है। सेकंड होता है हमारा सॉइल की इरोडेबिलिटी, यानी कि सॉइल कितनी जल्दी इरोड हो सकती है, ठीक है। अब इसमें भी क्या है, जो आपकी क्ले सॉइल है वो, क्योंकि उसमें क्या होता है, बहुत ज़्यादा आप बोल सकते हो एक दूसरे के साथ पार्टिकल्स एग्रीगेट बना के रहते हैं, बहुत ज़्यादा चिपके रहते हैं, तो वहाँ पर सॉइल इरोडेबिलिटी कम होगी, वेयर एज सैंडी सॉइल में ज़्यादा होगी, ठीक है। डिपेंड करता है सॉइल इरोडेबिलिटी पे। फिर क्या करता है, उसकी लेंथ ऑफ स्लोप, यानी कि जो हमारा लैंड एरिया है उसमें कितने ज़्यादा स्लोप है, ज़्यादा स्लोप एरिया है तो इरोजन के चांसेस ज़्यादा है, ठीक है। फिर आता है हमारा सी, सी मतलब कि क्रॉप, किस तरह की आपने क्रॉप वहाँ पर लगाई है, सो इरोजन परमिटिंग क्रॉप लगाई है या फिर इरोजन रेजिस्टेंट क्रॉप लगाई है। और लास्ट में हमारा फैक्टर आता है पी, दैट इज़ द डिफरेंट जो आप सपोर्ट प्रैक्टिसेस करते हैं उसमें, ठीक है। सो वो सारे डिपेंड करते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया था, अब आप इसका आंसर खुद ही फाइंड कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 34 वी हैव, क्वेश्चन नंबर 34 क्या है आपका, इन द प्रेजेंस ऑफ सिलिका लाइम एंड अदर सॉल्ट इन सॉइल द सॉइल अपीयर्स लाइक। सो कैसे तरह की, जब इतने सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होंगे, सॉल्ट जब भी प्रेजेंट होते हैं तो हमारी सॉइल क्या है, लाइट टेक्सचर की दिखाई देती है या फिर वाइट कलर की, आपने अभी देखा भी होगा सेलाइन सॉइल क्या होती है, वाइट कलर की होती है, वाइट वाइटिश में आप बोल सकते हो कि लाइट कलर की दिखेंगी। जब भी ऑर्गेनिक मैटर ज़्यादा होगा तो डार्क कलर में दिखाई देगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 वी हैव विच वन ऑफ द फॉलोइंग फर्टिलाइजर इज नोन एज किसान खाद। किसान खाद किसको कहा जाता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट या फिर कैन भी आप इसे बोल सकते हो, और ये क्या होता है, न्यूट्रल होता है, ठीक है, न्यूट्रल इन पीएच, ठीक है। यूरिया कैसा होता है वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि यूरिया का रेजिडुअल इफेक्ट कैसा होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36 वी हैव द डेफिशिएंसी ऑफ विच ऑफ द न्यूट्रिएंट कॉजेस स्लो एंड स्टंटेड प्लांट ग्रोथ एंड पर्पल कलरेशन। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि पर्पल कलरेशन, सी स्टंटेड ग्रोथ तो नाइट्रोजन में भी होता है लेकिन पर्पल कलरेशन किस में आता है, सिर्फ फॉस्फोरस में ही आता है, फॉस्फोरस की जब डेफिशिएंसी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म दैट रिलेट्स टू द फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर दैट अकर्स ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ मिनरल एलिमेंट्स। बहुत सारे आपके मिनरल एलिमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं,
क्या है कंडीशन इन विच लीव्स और द प्लांट बिकम्स एबनॉर्मली येलोइंग. सो येलोइंग जब होने लगती है, ऐसी आपको दिख रही है यहाँ पर, इंटरवेनल क्लोरोसिस होता है या फिर क्लोरोसिस होता है, तब येलोइंग होती है. ठीक है, सो आंसर वुड बी क्लोरोसिस. क्वेश्चन नंबर 38 वी हैव, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज वेरी गुड इन रिटेंटिव ऑफ मॉइस्चर एंड स्वेल्स ग्रेटली. यहाँ पर आपका की वर्ड क्या है, स्वेलिंग हो रही है. ठीक है, स्वेलिंग हो रही है और फिर स्टिकी भी है और श्रिंकिंग भी होगी, तो किस में होती है ये होती है हमारी ब्लैक सॉइल में. ठीक है, मेजर इसमें जो आपका एलिमेंट है या फिर मिनरल है वो कौन सा होता है, मॉन्ट मोरेलो लाइट. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39 वी हैव, लेटरिटिक सॉइल रिच इन आयरन एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स कैरेक्टरिस्टिक रेडिश ब्राउन कलर. रेडिश ब्राउन कलर का होता है और मेनली क्या है, बेस सेचुरेशन आपसे पूछा गया है कि लिटरेटिक सॉइल का बेस सेचुरेशन कितना होता है, इट इज़ मोर देन 35%. ठीक है, मोर देन 35% आपका बेस सेचुरेशन होता है. बेस सेचुरेशन या मतलब कि जो कैडायन एक्सचेंज कैपेसिटी है, जो आपके होते हैं ना द एरियाज जहाँ पर कैडायन का एक्सचेंज होना होता है, उन एरियाज पे बेसिक आयंस जो है आके लग जाते हैं, तो वहाँ पर और कैटायंस नहीं आ पाएंगे. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 40 वी हैव, फर्स्ट स्टेप इन सॉइल इरोजन बाय वाटर इज. सॉइल इरोजन जब होता है तो सबसे पहले क्या होता है, वाटर की जब ड्रॉपलेट्स पड़ेंगी सबसे पहले क्या होगा, स्प्लैश होगा आपका. ठीक है, सो सबसे पहले आपका स्प्लैश का इरोजन होगा, फिर उसके बाद क्या है, धीरे धीरे पूरी शीट जो है वो निकल जाती है, इरोड हो जाती है, तो फिर होगा आपका शीट इरोजन. फिर उसके बाद रिल्स बनेंगे. रिल्स क्या होते हैं, आपके फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स हल्के हल्के से जो बनने शुरू हो जाते हैं, और फिर फाइनली क्या बनेंगे, गली. ठीक है, बड़ी बड़ी सी गलीज बनने लगेंगी. गलीज के बाद भी क्या है, फाइनल आपका रिवाइंस बनते हैं बड़े बड़े. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 41 क्या है, आप तब तक देख सकते हो. ठीक है, स्कूपिंग इज अ स्पेशल ऑपरेशन डन इन विच ऑफ द फॉलोइंग वेजिटेबल क्रॉप. सो स्कूपिंग क्या होता है, बेसिकली जो आप देख रहे हो कॉलीफ्लावर है, इसके बीच में से ऐसे स्कूप करके, जैसे आइसक्रीम का स्कूप होता है वैसे ही स्कूप करके यहाँ से निकाल लिया जाता है थोड़ा सा आपका कर्ड वाला पार्ट, सो दैट यहाँ से फ्लावर का इनिशिएशन, फ्लावर स्टॉक जो बनेगा ना उसका इनिशिएशन बहुत ईजिली हो जाए. तो ये किस में होता है, कॉलीफ्लावर में किया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दी हेड फॉर्मेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कैबेज. इसका आंसर पहले से ही नीचे आ गया है, तो आप यहाँ पर थोड़ी सी चीटिंग कर सकते हो. हेड फॉर्मेशन जो है उसके लिए सूटेबल कंडीशन या सूटेबल टेम्परेचर कौन सा है, 15-21 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर इज़ द मोस्ट सूटेबल वन. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 43 भी है, द सीड रेट ऑफ हाइब्रिड ओकरा. सो ओकरा का इन जनरल जो होता है, दैट इज सीड रेट होता है अराउंड 8 to 10 आप बोल सकते हो, 8 to 10 केजी पर हेक्टेयर होता है. लेकिन जो हाइब्रिड होता है ना, हमेशा उसमें क्या होता है, थोड़ा कम होता है सीड रेट. तो यहाँ पर हाइब्रिड में आप देख सकते हो 2.5 to 3 केजी पर हेक्टेयर होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 44 इज आस्किंग अबाउट इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन इज ऑब्जर्व्ड. सो ऑफन क्रॉस पॉलिनेशन इन तीनों ही क्रॉप, ओकरा, चिली, ब्रिंजल और इसके अलावा कैप्सिकम में भी हमारा क्या होता है, ऑफन क्रॉस पॉलिनेटेड स्पीशीज होती है वो भी. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 45 वी हैव, इन कुकुरबिट्स विच टाइप ऑफ कंडीशन लीड्स टू मोर मेल फ्लावर फॉर्मेशन. मेल फ्लावर फॉर्मेशन कब ज़्यादा होता है, जब लॉन्ग डे वाली कंडीशन होती है और इसके साथ ही टेम्परेचर बहुत हाई होता है, उस कंडीशन में मेल फ्लावर ज़्यादा होंगे. और जब शॉर्ट डे कंडीशन होगी और उसके साथ कम टेम्परेचर होगा तो उस कंडीशन में फीमेल फ्लावर्स ज़्यादा होंगे. ठीक है, कहीं ना कहीं वो बाहर के जो एनवायरमेंटल कंडीशन है, फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, वो इन्फ्लुएंस करती है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 46 वी हैव, फॉस्फोरस डिफिशियंसी इन पोटैटो लीड्स टू. फॉस्फोरस डिफिशियंसी से क्या होता है, ये आपको दिख रहा है क्या हो रहा है यहाँ पर, डार्कनिंग हो रही है. ठीक है, डार्क कलरेशन. सो दिस डार्क कलरेशन इज ड्यू टू द फॉस्फोरस डेफिशिएंसी. ऑलराइट, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 47, मैंगो इज कमर्शियली प्रोपेगेटेड बाय. सो मैंगो का कमर्शियल प्रोपेगेशन किससे किया जाता है, बहुत ही आपका कॉमन क्वेश्चन है
और क्या है इसका आंसर? वीनियर ग्राफ्टिंग. ठीक है, वीनियर ग्राफ्टिंग के अलावा वी ऑल्सो हैव जो आपका NFL में क्वेश्चन पूछा गया था, NFL में था, हाँ NFL में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो फास्टेस्ट मेथड ऑफ ग्राफ्टिंग है मैंगो में वो कौन सा होता है, तो वो होता है एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग. ठीक है, फास्टेस्ट किस में होता है? एपिकोटाइल ग्राफ्टिंग. ठीक है, अगर एग्जाम में ये क्वेश्चन आए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन 48. ग्रेप इज कमर्शियली प्रोपगेटेड. ग्रेप में कमर्शियल प्रोपगेशन कैसे किया जाता है? हार्डवुड कटिंग. और हार्डवुड कटिंग कटिंग लेके फिर उसमें क्या करेंगे, हम नीचे IBA का पाउडर लगा देंगे ताकि रूटिंग जल्दी जल्दी हो. ठीक है, तो हमेशा रूटिंग के लिए क्या हम यूज़ करते हैं? इंडियोल ब्यूटायरिक एसिड. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49. वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमैक्टिक फ्रूट. सो वी हैव टू टाइप्स ऑफ फ्रूट्स. वन आर द फर्स्ट वन द क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स एंड अनदर वन आर द नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स. क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स में राइपनिंग हो जाती है ऑन देयर ओन जब हम इनको मदर प्लांट से निकाल लेते हैं तभी भी. ठीक है, वेयर इज नॉन क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट्स में राइपनिंग नहीं होगी. और ये जो क्लाइमैक्टेरिक पीक है ये नहीं देखने को मिलेगा नॉन क्लाइमैक्टेरिक में. ठीक है, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट. सो इसमें से क्या है? ग्रेप्स होता है. ठीक है, एप्पल भी हमारा क्या है? इट्स अ क्लाइमैक्टेरिक फ्रूट. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 50. दैट इज पेपेन इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रूट. सो पेपेन पपाया से, नाम से ही पता चल रहा है. पेपेन कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? पेपेन इज बेसिकली एन एंजाइम दैट इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द जो पपाया है, पपाया से जो लेटेक्स निकलता है वहां से. ठीक है, लेटेक्स को ड्राई करके निकालते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव क्वेश्चन नंबर 51. सिट्रस कैंकर इज व्हाट काइंड ऑफ डिजीज. सिट्रस कैंकर क्या होता है? दैट्स अ बेसिकली अ बैक्टीरियल डिजीज एंड दैट इज कॉज्ड बाय द ज़ेंथोमोनास. ज़ेंथोमोनास सिट्राए, सब स्पीशीज सिट्राए. क्वेश्चन नंबर 52. कम टाइम में ज़्यादा क्वेश्चंस कवर हम करेंगे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52, और अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चंस भी आपके लिए लेके आए हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52. इन मेसोफिल सेल्स, द मेसोफिल सेल्स आर क्लस्टर्ड अराउंड द बंडल शीट सेल्स. पूरा आपको बताया गया है कि कहाँ ये क्या बेसिकली बता रहे हैं आपको, क्रैन्स एनाटॉमी के बारे में. क्रैन्स एनाटॉमी आपके किस में होती है? C4 प्लांट्स में. ठीक है, सो C4 प्लांट्स में रुबिस्को एंजाइम इज प्रेजेंट इन विच सेल्स इन सच प्लांट्स. सो रुबिस्को एंजाइम आपका हमेशा कहाँ पर प्रेजेंट होता है? देखो बाहर क्या है, आपकी मेसोफिल सेल्स प्रेजेंट होती है. ठीक है, बाहर की साइड, ये बाहर की साइड क्या है? मेसोफिल सेल्स है. और यहाँ पर होता है पेप्टेज एंजाइम, और फिर आपके अंदर में आती है बंडल शीट सेल्स जहाँ पर प्रेजेंट होता है आपका रुबिस्को एंजाइम. और ये रुबिस्को एंजाइम ही क्या करता है? C3 साइकिल चलाता है. C3 साइकिल से ही आपका फाइनल जो ग्लूकोज होगा वो बनेगा. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 53. विच फाइटो हार्मोन प्रमोट्स द ग्रोथ ऑफ द मेन सेंट्रल स्टेम ऑफ द प्लांट ओवर द लेटरल साइड स्टेम एंड ऑल्सो इंड्यूसेस पार्थेनोकॉपी. घुमा फिरा के पूछ रहे हैं, लेकिन पूछ क्या रहे हैं कि ये जो एपिकल ग्रोथ होती है ना, एपिकल ग्रोथ को प्रमोट कौन करता है? सो वी नो कि ये कौन करता है? ऑक्सिन का ये काम है. ठीक है, और लेटरल ग्रोथ को कौन प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन करता है. ठीक है, और कभी अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि ड्वार्फनेस कौन कम करता है, कौन से एक फाइटो हार्मोन है जो ड्वार्फनेस कम करने के लिए यूज़ किया जाता है? दैट इज़ द जिब्रेलिन. और हमारा राइपनिंग के लिए कौन सा यूज़ होता है? इथाइलिन. ठीक है, स्ट्रेस हार्मोन कौन सा है हमारा? ABA. ठीक, क्वेश्चन नंबर 54 पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 54 इज रेस्पिरेटरी कोशेंट कार्बोहाइड्रेट्स का कितना होता है? RQ ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स इज ऑलवेज 1. ठीक है, मोर देन 1 किसका होता है? ऑर्गेनिक एसिड्स का. और बाकी लेस देन 1 होता है प्रोटीन्स का और साथ में फैट्स का. ठीक है, नेक्स्ट भी चलते क्वेश्चन नंबर 55. द एक्सुडेशन ऑफ ड्रॉप्स, ये आपको ड्रॉप्स दिखाई दे रही है मॉर्निंग में, जनरली ऐसे ड्रॉप्स दिखाई देती हैं. किस वजह से होता है? जब रूट प्रेशर ज़्यादा हो जाता है और ट्रांसपिरेशन नहीं हो रहा होता उस टाइम पे होता है. क्या कहते हैं इस प्रोसेस को? दिस प्रोसेस इज नोन एज गटेशन. ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 56. द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ETS सिस्टम में टर्मिनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कौन सा होता है? यानी कि ETS सिस्टम में चार कॉम्प्लेक्सेस हैं हमारे. चार कॉम्प्लेक्सेस से क्या करता है? इलेक्ट्रॉन जाता है, अल्टीमेटली कहाँ मिल जाता है?
ऑक्सीजन को मिलता है. ये है आपके 1 2 3 4 चार कॉम्प्लेक्सेस दैट आर प्रेजेंट इन द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. और ये फाइनली कहाँ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन किसको देते हैं, ओ टू को देते हैं, और उससे क्या बनता है, एच टू ओ बनता है. ठीक है, और जो फिफ्थ वाला है हमारा एटीपी सिंथेस है, जो एटीपी सिंथेसिस करता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 57 इज रिचमंड लैंग इफेक्ट. रिचमंड लैंग इफेक्ट यानी कि जो क्लोरोफिल है उसका डिग्रेडेशन की प्रोसेस को स्लो डाउन करने वाला एक इफेक्ट है. किस वजह से होती है ये, साइटोकाइनिन की वजह से. ठीक है, साइटोकाइनिन का जब भी हम सॉल्यूशन डालेंगे किसी भी लीफ पे, तो उसका इवन आफ्टर लाइक ब्रेकिंग इट फ्रॉम द प्लांट, उसमें जो डिग्रेडेशन होगा क्लोरोफिल का वो धीरे हो जाएगा, एज़ कम्पेयर टू अगर आप उसको बाहर रखते हैं या फिर किसी और सॉल्यूशन में रखते हैं तो वो येलोइंग होने लगेगी उसमें. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फिनोमिना ऑफ डायरेक्शनल डेवलपमेंट ऑफ प्लांट पार्ट्स इन रिस्पॉन्स टू द कॉन्टैक्ट विद द सॉलिड ऑब्जेक्ट. सो ये आप देख सकते हो कि ये लीफ टेंड्रल है, तो यहाँ पर कोई भी अगर आप स्टिक या फिर कोई भी स्टैंड लगा दो तो ये क्या करते हैं, इसको इसके अराउंड कॉइल अप होने लगते हैं. क्यों कॉइल अप होने लगते हैं, ड्यू टू वन फिनोमिना दैट इज़ द थिगमोट्रोपिज्म. थिगमो यानी कि टच, ट्रोपिज्म यानी कि ट्रॉपिक मूवमेंट. ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होते हैं, ग्रोथ मूवमेंट होते हैं, दैट टू टूवर्ड्स द स्टिमुलस. ठीक है, टूवर्ड्स द स्टिमुलस, स्टिमुलस या फिर अगेंस्ट द स्टिमुलस, पर ये डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 59. वी हैव इन द प्लांट्स लाइक सोयाबीन, पिजन पी एंड उड़द बीन. ये क्या है, सारे हमारे C3 प्लांट्स है. ठीक है, C3 प्लांट्स पे फर्स्ट स्टेबल स्टेबल जो कंपाउंड बनता है ऑफ डार्क रिएक्शन वो कौन सा होता है, दैट इज़ द 3PGA, 3-phosphoglyceric एसिड फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड फॉर्म होता है. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 वी हैव, 60 कहाँ गया, 60 क्या है, सीड जर्मिनेशन में क्या होता है, ड्यूरिंग जर्मिनेशन फर्स्ट ऑर्गन कौन सा बाहर निकलता है सीड से, जब सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले रूट निकलता है यानी कि रेडिकल निकलेगा और फिर उसके बाद प्लूम्यूल निकलता है. ठीक है, दैट इज़ द मॉर्फोलॉजिकली कैसे जर्मिनेशन होता है. यहाँ पर भी आप देख सकते हो पहले क्या है, ये रूट वाला पार्ट निकल रहा है ना, पहले रूट स्टैब्लिश हो जाती है उसके बाद ऊपर का पार्ट स्टैब्लिश होता है. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 61 वी हैव विद रिस्पेक्ट टू द इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट IPM. IPM की अगर हम बात कर लें तो थ्रेश होल्ड लेवल का मतलब क्या होता है, थ्रेश होल्ड लेवल आप बोल सकते हो वो एक लेवल होता है जहाँ पर कि हमें इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना स्टार्ट कर देना चाहिए, अदरवाइज अगर नहीं करेंगे तो क्या होगा, जो भी हमारी क्रॉप है उसमें कहीं ना कहीं इंजरी शुरू हो जाएगी, और इंजरी इस लेवल की होगी कि वो हमारे लिए इकोनॉमिकल नहीं बचेगा. ठीक है, सो बेसिकली द लेवल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन है. ठीक है, लेवल ऑफ पेस्ट पॉपुलेशन एट विच वन शुड कंट्रोल द पेस्ट टू प्रिवेंट द अनएक्सेप्टेबल इंजरी, इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड लेवल. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 62 वी हैव एंटीना फाउंड इन हनी बी. सो हनी बी में किस तरह का एंटीना फाउंड किया जाता है, दैट इज़ द जेनिकुलेट टाइप. इसके अलावा क्या क्या है हमारे पास, अलग अलग टाइप के आपके एंटीना होते हैं. अगर हम देख लें कि सिटेशियस किस में होता है, ड्रैगन फ्लाई और डैमसल फ्लाइज में, सिटेशियस ऐसे टाइप का होता है. ठीक है, मतलब कि पीछे से आपका जो थिकनेस है वो ज़्यादा होती है, आगे आगे आते आते कम होने लगती है. ठीक है, ऐसे ही सेरेट है. ठीक है, सेरेट में सेरेशंस बने रहते हैं एंड दैट इज़ प्रेजेंट इन बीटल. जेनिकुलेट किस में, हमारा आंट और हनी बी दोनों में ही. अब ये सब अलग अलग टाइप के हैं, ये आप पढ़ सकते हैं इसमें. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 63 वी हैव विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट इंसेक्ट ऑर्डर. सो सबसे छोटा इंसेक्ट ऑर्डर कौन सा है, ज़ोरेप्टेरा. ठीक है, और सबसे बड़ा कौन सा है, कोलियोप्टेरा. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 64 द वेक्टर विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ रेड ग्राम स्टेरिलिटी मोज़ेक डिजीज़. किस वजह से होती है ये, वायरस की वजह से. और वायरल डिजीज़ में हमेशा क्या चाहिए होता है, एक वेक्टर चाहिए होता है. कौन सा वो वेक्टर होता है इसमें, एसेरिया कैजेनी इज़ द वेक्टर. दिस इज बेसिकली माइट. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं हम. क्वेश्चन नंबर 63 द वेक्टर फॉर राइस टुंग्रो डिजीज. राइस टुंग्रो डिजीज भी किस वजह से होता है, दिस इज ऑल्सो ड्यू टू द वायरस.
ठीक है, वायरस की वजह से होता है ये. और क्या इसमें वेक्टर होता है? दैट इज द ग्रीन लीफ हॉपर इज द वेक्टर फॉर दिस. क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं. ऐसा ही क्वेश्चन आपके NFL में भी पूछा गया था कि जो ग्रीन कलर में अगर आपका वो आता है, ग्रीन कलर का अगर लेबल लगा होता है तो उसका मतलब क्या है? इज इट मॉडरेटली टॉक्सिक और इज इट स्लाइटली टॉक्सिक, या फिर है कि इट्स लाइक बेनिफिशियल? ऐसे टाइप के आपके ऑप्शंस आ रखे थे. ठीक है, तो ग्रीन का मतलब होता है आपका इट इज स्लाइटली टॉक्सिक. यहाँ पर पूछा क्या गया है? मॉडरेटली टॉक्सिक इंसेक्टिसाइड विद लेबल. मॉडरेटली टॉक्सिक किस में होता है? हमारा ब्लू कलर का. ठीक है, ये भी आप यहाँ से पढ़ सकते हो LD50 की डोज कितनी है इसकी. क्वेश्चन नंबर 68, येलो स्टिकी ट्रैप. सो येलो स्टिकी ट्रैप बेसिकली किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ताकि जो मेल काउंटर पार्ट है ना, वो आके इस पर अट्रैक्ट हो जाए और इसी पर चिपक जाए. तो ये जनरली किस में यूज़ किया जाता है? जो भी एफिड्स हैं उसके लिए. ठीक है, मेल्स अगर वहाँ पर चिपक जाएंगे तो फिर मेटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, और मेटिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे तो फिर आगे की जनरेशन नहीं होगी. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 69, वी हैव द यूटिलाइजेशन ऑफ पैरासिटॉइड्स प्रीडेटर एंड प्रे फॉर द रेगुलेशन ऑफ इंसेक्ट पेस्ट पॉपुलेशन कम्स अंडर. किस तरह का ये, जब हम बायोलॉजिकल एजेंट्स बेसिकली यूज़ किए जाते हैं एक इंसेक्ट के लिए दूसरा इंसेक्ट हम यूज़ करते हैं, किस तरह का वो मेथड होता है? दैट इज़ द बायोलॉजिकल मेथड. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 70, वी हैव द इंसेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू फाइलम आर्थ्रोपोडा ऑर्डर टू विच द हनी बी बिलोंग्स. सो हनी बी कौन से ऑर्डर में बिलोंग करती है, ये क्वेश्चन मैं आपके लिए देती हूँ. नीचे कमेंट सेक्शन में बताना, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस के मैंने आंसर दे दिया, अब आप बताओ मुझे. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 71, द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन लैंड आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट. जो दो तीन क्वेश्चन आपके लिए दे देती हूँ मैं, ठीक है, 71 72 कर दूँगी, 73 74 75 और साथ में 70 वाला जो क्वेश्चन वो आपके लिए है. नीचे आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दोगे. 71 क्या है? द प्रैक्टिस ऑफ फॉरेस्ट्री ऑन लैंड्स आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट एरिया फॉर द बेनिफिट ऑफ लोकल पॉपुलेशन. सो इसको क्या कहा जाता है? जब हम फॉरेस्ट्री करेंगे लैंड एरिया पे आउटसाइड द कन्वेंशनल फॉरेस्ट्री, तो हम कर ही रहे हैं, यानी कि जो फॉरेस्ट एरिया है वो तो है ही कवर्ड, लेकिन उसके आउटसाइड जब हम खुद से करने लगते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? सोशल फॉरेस्ट्री इज द टर्म फॉर दैट. ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 72, डायमीटर एट ब्रेस्ट हाइट हम जनरली मेजर किया जाता है ना, कि ब्रेस्ट हाइट पे जो ट्रीज हैं उनका डायमीटर लिया जाता है. तो ब्रेस्ट हाइट कितनी होती है इन इंडिया, क्योंकि अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग होती है. इन इंडिया इट इज़ 1.3 मीटर और 1.37 मीटर आप बोल सकते हो टू बी प्रिसाइज. नाउ क्वेश्चन नंबर 73 इज़ फॉर यू, प्योर फॉरेस्ट इज अ टाइप ऑफ फॉरेस्ट इन विच द कॉम्पोजिशन ऑफ वन स्पीशीज इज नॉट लेस देन. कितनी होनी चाहिए इसका आप आंसर दोगे, फिर आप बताओगे मुझे कि फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है इन चार ऑप्शंस में से. देखो ये भी कभी कभी ना नाबार्ड और आपके AFO में ऐसे क्वेश्चंस, स्पेशली फॉरेस्ट्री से क्वेश्चंस आने लगे हैं, तो ये आ सकता है आपके लिए, फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट किसको कहा जाता है. नेक्स्ट इज एक बार ये भी क्वेश्चन आया था आपका, कपोक पे क्वेश्चन आया था, सिल्क ट्री किसको कहते, तो फ्लेम ऑफ फॉरेस्ट भी आ सकता है. ठीक है, नेक्स्ट इज 75, इनफर्टिलिटी इन मेल एनिमल्स इज कॉज ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ, किस वजह से होता है? नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में, अरे इसका तो आंसर आएगा, कोई बात नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में आप बाकी के जो तीन क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देंगे. और ऐसे ही अगर आप अपनी जो प्रैक्टिस है उसको बूस्ट अप करना चाहते हैं कि इस साल आपका एग्ज़ाम, जितने भी आप एग्ज़ाम दें सारे क्रैक हो जाएं, तो ज़रूरत है ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की. और प्रैक्टिस करने के लिए आई एग्ज़ाम भी आपके लिए लेके आया है फ्री में मॉक टेस्ट, जो आप हमारी साइट पे जाके चेक कर सकते हैं. इसके साथ ही IBPS AFO के लिए हमने एक मिनी मॉक टेस्ट की सीरीज़ भी चलाई है, वो भी आप चेक कर सकते हैं, उसको ज़रूर आप अटेम्प्ट कीजिए. और ज़्यादा से ज़्यादा इस बार जितने एग्ज़ाम्स आ रहे हैं सबको आप क्रैक कीजिए. ठीक है, किसी भी तरह का डाउट क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस.